हेलो गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, एन क्वीन कॉम्बिनेशंस, टू डी एस वन डी क्वीन चूजेस। तो इसके ना हम पहले क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये वाला क्वेश्चन ये है, एन क्वीन कॉम्बिनेशन टू डी एस वन डी। तो इससे पहले इसका बहुत बड़ा प्रीक्विजिट है, क्वीन कॉम्बिनेशन टू डी एस टू डी वाला, ठीक है। और दूसरा एक ये भी करना है, क्वीन कॉम्बिनेशन टू डी एस वन डी। इसमें क्वीन कॉम्बिनेशन टू डी एस वन डी और इसमें एन क्वीन कॉम्बिनेशन टू डी एस वन डी में एक चीज का डिफरेंस है, बस वो मैं अब आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन लगभग लगभग वैसा ही है, ज्यादा डिफरेंस है नहीं इन दोनों क्वेश्चन में। इसका सबसे बड़ा प्रीक्विजिट यही वाला क्वेश्चन है। तो अगर आप कर रहे हो ना, तो आप सिक्वेंस में करते आना। पहले आपको क्या करना है, क्वीन कॉम्बिनेशन टू डी एस वन डी, सबसे पहले करना है क्वीन कॉम्बिनेशन टू डी एस टू डी, फिर ये वाला करना है क्वीन कॉम्बिनेशन टू डी एस वन डी, और फिर आपको ये करना है क्वीन कॉम्बिनेशन टू डी एस वन डी, ठीक। एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि भाई हमें एक एन क्रॉस एन का चेस बोर्ड दिया है, हमें कैलकुलेट करना है इन द कॉम्बिनेशन इन विच एन क्वीन कैन बी प्लेस्ड, जो क्वीन कितने में प्लेस कर सकते हैं। और एक और चीज़ है, नो क्वीन शैल बी एबल टू किल अदर। तो ये एक कंडीशन हमें एक्स्ट्रा दी है बस, नो क्वीन शैल बी एबल टू किल अदर। तो अभी किल वाली कंडीशन एक बार देख लेते हैं, फिर सीधा कोड ही करेंगे, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, क्योंकि आप पहले वाला क्वेश्चन करोगे तो उसमें हर चीज आपको एक्सप्लेन करी गई है। तो जैसे कि हमें दिया क्या है, हमें दिए चार क्वींस, क्यू 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 क्यू, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ कि जो क्वींस हैं, अगर ये 4x4x4 का चेस बोर्ड है और मतलब 16 प्लेसेस हो गए इसमें, तो क्वीन को रखने के कितने तरीके हो गए, 16c4 है ना, 16 प्लेसेस में आप क्वीन को रख सकते हो। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है, नो क्वीन शैल किल ईच अदर, शैल किल ईच अदर। तो कोई भी क्वीन ना दूसरी क्वीन को किल नहीं कर सकती, ये एक मेन कंडीशन है इसकी, ठीक। अब आप समझना, आपको ये तो आप अगर आप पहले से क्वेश्चन करते आए हो तो आपको दो तीन चीजें समझ में आ गई होंगी कि हम पहले कर चुके हैं टू डी एस वन डी, सॉरी हम पहले कर चुके हैं टू डी एस वन डी। तो क्यों हम टू डी ना प्रीफर करके वन डी प्रीफर करते थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। 2D में हम क्या है, सेल्स के और रो के, जैसे ये 0 1 2 3, 0 1 2 3। तो 2D में जब हम करते थे ना तो बहुत झंझट होता था, तो उसी झंझट से बचने के लिए हमने क्या काम करा, हमने एक सिंपल सेल नंबर डाल लिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सिंपल हमने ये जो है सेल का नंबर डाल लिया, हमने एज अ वन डी यूज करके ये हमने करा पहले जो क्वेश्चन में, जैसे हमने करा है। आप पहले वाला क्वेश्चन देख लेना, दोबारा मैं यही बात रिपीट कर रहा हूँ आपसे, ठीक। तो अब हम हमें क्या है, इसी इसी की वो है कंटिन्यूशन में है ये, इसमें बस एक कंडीशन है। अब वो क्या, वो ये है कि कोई भी क्वीन दूसरी क्वीन को मार नहीं सकती। मतलब अगर मैं पहली क्वीन को यहाँ रख देता हूँ, ठीक कलर चेंज कर लेते हैं, पहली क्वीन को मैंने यहाँ रख दिया, तो अगली क्वीन, पहली बात तो हमें कॉम्बिनेशन चाहिए, तो अगली क्वीन को मैं इधर के लिए तो ऑप्शन दे ही नहीं सकता, वापस इधर के लिए। अगली को मिलेंगे ऑप्शन तो आगे के लिए ही मिलेंगे, आगे जैसे ये वाला, ये वाला और ये वाला, इतने के लिए ही मिलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये, नो क्वीन शैल किल ईच अदर। मतलब जैसे कि ये क्वीन मैंने यहाँ रख दी, तो मैं अगली क्वीन को यहाँ भी नहीं रख सकता, मैं अगली क्वीन को मतलब अगली क्वीन को क्या मतलब, मैं आगे जो क्वीन मेरी होंगी उनमें से किसी भी क्वीन को इस तरीके से नहीं रख सकता कि वो इस बीच में आए, डायगनली बीच में आए, या इस डायगनल में बीच में आए, या इस डायगनल में आए, या इस डायगनल में आए, या फिर इस तरफ आए, या इस तरफ आए, या इस तरफ आए। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। अभी थोड़ा सा बड़ा मैट्रिक्स बना के समझा दूंगा मैं आपको, लेकिन समझो कि मैं अगली क्वीन को यहाँ तो रख ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये इसे किल कर देगी। क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ, नहीं, क्यों, क्योंकि ये इसे ऐसे किल कर देगी। यहाँ रख सकता हूँ, नहीं किल कर देगी, यहाँ पर नहीं किल कर देगी, अगली क्वीन को मैं रख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक। फिर अगली क्वीन को मैं कहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, क्यों, हाँ रख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ना तो ये किल कर रही है यहाँ से, ना ये किल कर रही है, ना ही ये किल कर पा रही है, तो अगली क्वीन मेरी यहाँ आ गई। क्या मैं अगली क्वीन को यहाँ रख सकता हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं रख सकता, किल हो जाएगी, ये क्वीन किल कर देगी, यहाँ नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मेरी चारों क्वीन ऐसे नहीं हुई फिल, राइट। तो हमें इसी टाइप से कॉम्बिनेशन चाहिए जिसमें क्वींस फिल हो जाएं और एक क्वीन दूसरी क्वीन को किल भी ना कर सके, ये तो आपको पता है, ठीक है।
एक और चीज के 1D में हमने फॉर्मूले निकाले थे, वो फॉर्मूले एक बार देख लेते हैं कि भाई दो नंबर क्या होता है अपना। दो नंबर वो अपना होता है, ये मैं आपको अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैं करवा चुका हूँ पहले ही। दो नंबर क्या होता है, सेल नंबर बाय फोर, और दूसरा कॉलम नंबर क्या होता है, सेल नंबर मॉडुलस फोर। और अगर हमें सेल नंबर निकालना है तो सेल नंबर क्या होता है, रो नंबर मल्टीप्लाई बाय फोर प्लस कॉलम। यहां मैंने फोर क्यों लिया है, क्योंकि फोर इसका साइज है, ठीक है। एन अगर एन होता तो मैं फोर की जगह फोर नहीं लेता, मैं यहां पे एन लेता, ठीक। अगर यहां पर एन होता तो मैं एन ही लेता। इतनी चीज समझ में आ चुकी है आपके कि चार क्वीन है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चार क्वीन लिया है तो मुझे उन्हें इस तरीके से प्लेस करना है इस 2D चेस बोर्ड में कि नो क्वीन शेल के लिए चलता है, उसके हमें कॉम्बिनेशन फाइंड करके लाने हैं। बहुत सिंपल है, लेकिन हम इसे करेंगे कैसे, हम इसे 1D एज अ 1D करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं है। हम उसी कोड को कॉपी करेंगे, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस लाएंगे, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना। दूसरी चीज, ये कंसेप्ट आपको याद ही होंगे, ये भी मैं करवा चुका हूँ पहले ही। तो अब सीधे चलते हैं और कोड करते हैं इसे, इतना कुछ मुश्किल है नहीं। एक काम करता हूँ, कोई थोड़े से बड़े बोर्ड पर भी सिखा देता हूँ, तो एक बड़ा चेस बोर्ड बना लेता हूँ उसमें, और थोड़ा सा आपको ब्रीफली दिखा देता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता था कि नो क्वीन कैन के लिए चला था। तो एक सेकंड दीजिए बस मुझे आप। जैसे हमारी मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक, तो एक क्वीन अगर मैंने यहाँ रख दी, चेंज कर लेता हूँ कलर, एक क्वीन मैंने अगर यहाँ रख दी लेट से, तो कौन कौन से प्लेसेस जो हमारे इनवैलिड है, मतलब जहां मैं नहीं रखता, जहां पे क्वीन एक दूसरे को किल कर सकती है। जैसे मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं रख सकता कोई भी क्वीन, यहाँ वर्टिकली नहीं रख सकता कोई भी क्वीन, ये जो डायगनल है यहाँ नहीं रख सकता, ठीक, और ये जो डायगनल है यहाँ नहीं रख सकता। देखो कहाँ कहाँ रख सकता हूँ, जैसे ये प्लेस खाली है, ये प्लेस, ये जहाँ क्वीन किल नहीं कर सकती। लेकिन एक चीज का ध्यान देना कि इसमें हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है, हमें नीचे का देखना ही नहीं है। हमें बेसिकली जब भी कोई क्वीन, हम क्या कर रहे हैं, हम क्वीन प्लेस करके आ रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्वीन प्लेस कर दी, तो हम ये क्वीन हम प्लेस करके आ रहे हैं, तो जब हम अगली क्वीन प्लेस करेंगे ना, तो हम ये देखेंगे कि वो क्वीन तो सेफ है अपनी जगह पर। अगर मैं यहाँ क्वीन प्लेस करने जाऊंगा फिर तो मैं ये चेक करूंगा कि क्या ये सेफ है, ये सेफ है, या मैं यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ प्लेस करना चाहूंगा अगली क्वीन को, तो मैं ये प्लेस भी चेक करूंगा कि ये प्लेस सेफ है। तो मुझे बेसिकली करना क्या है, मुझे आगे का चेक नहीं करना, मुझे ये जो एरिया है ना, ये एरिया मुझे चेक नहीं करना, मुझे चेक क्या करना है, मुझे ऊपर का चेक करना है, ये और ये और ये, मुझे सिर्फ ये चार प्लेसेस चेक करने हैं, राइट। अब चलते हैं अपने पोर्टल पर और करते हैं कोड इसे। तो देखना हमें ये दिया हुआ है इन क्वीन वाला जो हमने करा था पहले, उसी तरीके से, नॉर्मल तरीके से। एक सेकंड एक सेकंड, वेक्टर दिया हुआ है हमें एक चेस का, ये रो की कॉल लगी है, फिर तो उसके बाद ये कॉलम की कॉल लगी है, इफ ट्रूथ एंड फॉल्स, ठीक है। उसके बाद क्या, ये देखो जो हम 1D वाली बात कर रहे थे ना, वो ये है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक ही कॉलम लगाई है बस मैंने, जहां पे मैंने दो निकाल लिया, फिर हमने कॉलम निकाल लिया, दो नंबर और कॉलम नंबर, और उसके अकॉर्डिंग हमने फिर चेक करके क्वीन अपनी प्लेस कर दी, और फिर यहाँ वेक्टर क्यू में अनप्लेस कर दी। ये तो आप कर चुके हैं। हमें अब बेसिकली करना है कि क्वीन सेफ है यानी, ये फंक्शन लिखना है बस। तो ये लिखते हैं और देखना कैसे लिखूंगा मैं अभी। सबसे पहले हम चेक करते हैं किसके लिए, वर्टिकल के लिए। तो सबसे पहले हम वर्टिकल के लिए करेंगे, ठीक। वर्टिकल के कैसे करेंगे कि हम एक फॉर लूप लगाते हैं, इंट आई इज इक्वल टू, जो रो से स्टार्ट हो रहा है, रो क्या है जो हमें दी हुई है ना, और जिसमें जे जे जो है अपना वो कॉलम है, इतना हो गया। फिर हम चलाएंगे कब तक, जब आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आई माइनस, मैंने क्यों आई माइनस माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ऊपर को चेक कर रहे हैं, हम जो है यहाँ ऊपर साइड को चेक कर रहे हैं ना, माइनस माइनस, इसीलिए जे भी माइनस माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम इस साइड को चेक कर रहे हैं। डायगनल वगैरह भी देख लेंगे, रुक जाओ। तो जब हम यहाँ आए, यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ चेक करो इफ चेस ऑफ आई और जे, जे जो है चेस ऑफ आई और जे जो है अगर अपना ट्रू होता है, तो यहाँ पे कर देंगे हम रिटर्न, कि भाई अगर वहां पे क्वीन पहले से प्लेस है तो रिटर्न कर दो। अब इसी को कॉपी करते हैं, और हम क्या करेंगे, अब इसके नीचे हम लिखेंगे कॉलम वाला, सॉरी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कह लो, कॉलम कह लो, ये हमने कॉपी करा। चेंज क्या हुआ, जो यही देने वाली है, जे कॉलम देने वाला है। यहाँ पर आई इज ग्रेटर देन की जगह हम कैसे चेक करेंगे, जे इज ग्रेटर देन 0,
यहाँ आई माइनस माइनस की जगह हम कर देंगे जे माइनस माइनस, फिर हम चेक करेंगे आई जे इज इक्वल टू ट्रू, रिटर्न कर देंगे क्या, रिटर्न कर देंगे हम फॉल्स। यहाँ भी हमें रिटर्न करना है, यहाँ भी हम क्या रिटर्न कर देंगे फॉल्स, दो चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं किसके लिए, डायगनल के लिए है ना, तो यहाँ पे अब लिखते हैं डायगनल का कोड, डायगनल ठीक, सेम कॉपी पेस्ट करता हूँ इसे, ज़्यादा चेंजेस इसमें भी नहीं आएंगे। आई इज इक्वल टू 2 हो गया, जे इज इक्वल टू कॉलम हो गया, इतना ठीक है। कंडीशन क्या होगी कि एक कंडीशन होगी कि आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या क्या होगी कि आई भी माइनस माइनस और जे भी माइनस माइनस, देख लेते हैं ना हम। देखो हम बात कर रहे हैं इस टाइम इस वाले डायगनल के लिए, इस वाले डायगनल के लिए, तो इसमें क्या होगा आई भी माइनस होता है जे भी माइनस होता है, और जब तक दोनों ही जीरो नहीं हो जाते, मतलब दोनों में से कोई भी एक जीरो होता है, तो बात खराब हो जाएगी अपनी, वहां से निकल जाएंगे। ठीक, ये डायगनल डन। अब बात करते हैं अगले डायगनल के लिए, ट्रिपल सी है ना, और यहाँ पर क्या करना है, 2 कॉलम ठीक है। इसमें थोड़ी सी चीज डिफरेंस है बस, कि जब हम चेक कर रहे हैं तो आई तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, लेकिन जे जो हो जाएगा अपना हो जाएगा स्मॉलर देन व्हाट, चेस डॉट साइज। और दूसरी चीज आई माइनस माइनस होगा, लेकिन क्या जे प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे भी कोई ट्रू मिलता है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, और एंड में अगर हमें कहीं भी फॉल्स नहीं मिलता तो सिंपल है भाई, यहाँ से रिटर्न कर दो क्या ट्रू, कि अपनी जो चीज़ है वो सेफ है पूरी। अब एक काम करना है बस हमें, क्या छोटा सा काम है, अब हमें यहाँ पे सिंपल इसे एक बार रन करके देख लेते हैं, कोई कंपाइलेशन एरर आएगी तो उसे रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक, रन करो, एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं वाला कोड, सबमिट करा हमने, और ये अपना एक करेक्ट आंसर। तो आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कोई अभी भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब टू अवर चैनल गाइस, थैंक यू सो मच।